फैसल जावेद साहब जी जी अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहीं होता हूँ। क्यों डी चौक और यहाँ क्या यादें ताज़ा कर रहे हैं आप? बिल्कुल, ज्यादातर मीटिंग्स भी मैं यहाँ करता हूँ और अक्सर जब 126 दिन हो गए थे ना तो 127 दिन मैं फिर आ गया था, वैसे ही प्रैक्टिस हुई थी बस। फिर मैंने सोचा कि अब आते जाते रहना चाहिए तो मैं अक्सर यहाँ मीटिंग्स भी करता हूँ और अच्छा सॉरी मैं आपकी इंट्रोडक्शन वापस करती हूँ। फैसल जावेद खान साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप मुझे इस्लामाबाद की डी चौक के एरिया का टूर देंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ? आइए ना, चलिए लेट्स गो। साथ साथ में थोड़े से सवाल भी पूछ लेते हो। वन थिंग जो आप बहुत मिस करते हैं अबाउट धरनाज एंड रैलीज? वो एक लाइफस्टाइल का हिस्सा था, रूटीन बन गई थी 4 महीने की, तो वो बहुत मिस करते। ओवरऑल एनवायरनमेंट ही बड़ा मिस करते हैं, उसमें जज्बा उबलवतनी बेदार करने वाले तराने, तकरीरें और खाने, लोगों से मिलना, पूरे पाकिस्तान से लोग आते थे, कमाली टाइम था। लोगों के खत आने लग गए यहाँ पे, अब्दुल रशीद साहब, इमरान खान, धरना इस्लामाबाद। और मैंने कहा लोगों को कि एक दिन आएगा कि आप कभी ज़िंदगी में दोबारा आपस में मिलेंगे, कहेंगे आपको याद है हम धरने में एक दूसरे के पड़ोसी थे। वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे खाने से याद आया, धरने का खाना कैसा था? देसी, इमरान खान खाते ही ऑर्गेनिक देसी खाना है। ओहो, तो बड़ा अच्छा था, ज़बरदस्त खाना होता था। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा तो आज कल आपका लॉकडाउन कैसा रहा? ये अच्छा टाइम गुजरा, कुरान पाक की ट्रांसलेशन पढ़ना शुरू की और टाइम मिला और बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली जो पहले अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं मिला था, कभी पता ही नहीं था। वेरी नाइस। आपने 600 के करीब पीटीआई की रैलीज तो होस्ट की हैं, ठीक है, उन सब में से खान साहब का बड़ा चार्ज्ड अप इंटरव्यू आप देते थे, राइट? एक तो मुझे एक इंट्रो वापस सुना दें। यहाँ पे कंटेनर था इस जगह पे और सामने पब्लिक थी, राइट पे, लेफ्ट पे, पीछे भी गए बहुत, और मुख्तलिफ इंट्रोज होते थे, लेकिन हर एक डिफरेंट इंट्रो की जो एंडिंग थी वो एक मैंने सेम रखी हुई थी कि पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान की पहचान है आप, पाकिस्तान के कप्तान है आप, पाकिस्तान के खान है आप, इमरान खान है आप। ओए 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 ओए। चलो ये तो बताएं, अगर आई वॉन्ट टू लर्न कि मैं अपनी आवाज कैसे निकालूं तो आप बता सकते हैं 2-3 टिप्स की आवाज कहाँ से निकलनी चाहिए? यू आर ऑलमोस्ट देयर। आई यू थिंक रेडियो की ट्रेनिंग है बेसिकली, शुरू से बचपन से रेडियो करता रहा हूँ तो रेडियो के, फिर इमरान खान साहब ने बहुत सिखाया मुझे, तो बस वो प्रैक्टिस से हो जाता है। कभी आपने रेसलिंग के अनाउंसर बनने की ख्वाहिश रखी? क्रिकेट कमेंट्री तो मैं करता रहा हूँ, रेसलिंग में एक बार आए थे लोग मेरे पास, उन्होंने कहा था यहाँ WWE आई डोंट नो यहाँ पे कुछ कर रहे थे लियाकत जिमनेजियम में, तो मुझे कहते हैं कि आपसे हमने ये इंटरनेशनल रेसलर्स आ रहे हैं तो अनाउंसमेंट करवानी है क्या? वाई मी? उन्होंने कहा कि नहीं आपका, मैं क्रिकेट कमेंट्री कर चुका हूँ लेकिन रेसलिंग का किया नहीं आज तक, लेकिन बट इंटरेस्टिंग तो हो सकता है। हाँ, आपने पीटीआई 96 में ज्वाइन की थी और 22 ईयर्स का स्ट्रगल आपका रहा है, वो ऐसा मोमेंट जब आपने रियलाइज किया द पीटीआई इज द पार्टी फॉर मी? फ्रॉम डे 1 अक्टूबर 1996 जब मेरी पहली मुलाकात हुई ना इमरान खान साहब के साथ, क्योंकि मुझे ये पॉलिटिक्स वगैरह का तो बिल्कुल नहीं थी, घर वालों को भी नहीं था कि पॉलिटिक्स से दूर रहें, लेकिन इमरान खान के करीब रहें। इंटरेस्टिंग। एनी मोमेंट जो आपने फील किया भाई आई हैव हैड इनफ आई वांट टू क्विट? नेवर, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। द डे इज येट टू कम इट सीम्स, अल्लाह ना करे। अच्छा, पहली दफा जब आपने किसी इवेंट पर वजीर आजम इमरान खान अनाउंस किया तो आपको कैसा लगा? वजीर आजम बनने के बाद जी, ओए होए होए, मेरे ख्वाब देखा था, मैंने खान साहब को एक ख्वाब सुनाया भी, जब हम इलेक्शन के, आप टेस्ट चले ना आए ना, सॉरी सर, तो जब इलेक्शन कैंपेन हमारा चल रही थी तो उससे पहले पैनामा का जब ये चल रहा था तो मुझे ख्वाब आया कि ये सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और जस्टिस खोसा जो हैं वो एक अनाउंसमेंट करते हैं, वर्डिक्ट देते हैं और उसमें नवाज शरीफ जो हैं वो नाअहल डिक्लेयर होते हैं और एकदम से पलट के सुप्रीम कोर्ट रूम के अंदर मैं कहता हूँ वज़ीर आज़म इमरान खान, वो ख्वाब मैंने कहा है इंशाल्लाह सच होगा, और ये मैंने सुनाया भी था इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी। और जब ये हो गया तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि फ़र्स्ट जो अनाउंसमेंट होती है जब ओथ लेने आते हैं, लेकिन वो एक SOPs हैं जो भी है गवर्नमेंट का,
लेकिन उसके बाद फिर पहला मैं बड़ी शिद्दत से वेट कर रहा था कि कोई एक फंक्शन आए जिसमें मैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तो कहूँ, क्योंकि पहले जब चेयरमैन पीटीआई थे तो हम कई जलसों में नारे ये लगते थे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, ज़ाहिर है हर एक की ख्वाहिश थी। लेकिन जब बन गए तो उसके बाद फिर एक इवेंट हुआ था तो वो बड़ा एक यादगार लम्हा साबित हुआ। वेरी इंटरेस्टिंग। अब हम बिल्कुल पार्लियामेंट हाउस के सामने हैं एंड आई नो वो सुप्रीम कोर्ट है जो आपके ख्वाब में भी आया था, तो विल वॉक टूवर्ड्स देयर। जी बिल्कुल, हाँ कीचड़ को बचा कर इधर से। हाँ अच्छा ये बताइए कि लोग ये कहते हैं कि जो सेनेटर्स होते हैं वो सिर्फ पर्क्स उठाते हैं और कोई काम तो करते हैं नहीं, डू यू अग्री? नहीं अब बदल गया है। हाँ ये ज़रूर है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी उनकी नहीं होती, लेकिन ये है कि लेजिस्लेटिव बिजनेस के अंदर कमेटीज़ के अंदर जो काम करने वाले हैं वो बहुत काम करते हैं। आप यकीन कीजिए दिन कैसे गुजरता है मीटिंग्स के अंदर, टेक्निकल काम के अंदर, डिबेट्स के अंदर, फिर ओवरऑल लेजिस्लेटिव बिजनेस के अंदर पता नहीं चलता है, तो बहुत ज़्यादा काम होता है। कभी कभी लगता है वीकेंड्स पे भी हम काम कर रहे होते हैं, हमारे जो लाइक माइंडेड सेनेटर्स हैं हम कुछ हम मिलके काफ़ी काम कर रहे हैं और काम तो काफ़ी है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। इंटरेस्टिंग। आपकी सैलरी तो आपने किसी प्रोग्राम पे कहा है लेकिन आप अपनी उम्र ही बता दें। 1981 की पैदाइश हूँ, कैलकुलेट कर लें जब भी प्रोग्राम कोई देखे खुद ही कैलकुलेट। 40 हो गया ना? व्हाट 13 ऑलमोस्ट 40, ओ नो 40 बर्थडे का क्या प्लान है? मैं कभी भी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता, तो 48 है, अच्छा नहीं लगता। फोर्टी नंबर इज ऑल्सो बिट टाइट ना, मुश्किल नंबर है। एनीवे चलें लेट्स मूव ऑन। अच्छा ये बताएं कि अच्छा आप फिर बता दें आपकी सैलरी भी क्या है, आगे जाना है? हाँ हाँ बिल्कुल चलें। सैलरी 1.5 लाख है ना? अच्छा 1.5 लाख सैलरी, परफेक्ट। अच्छा ये बताइएगा कि आपकी सेनेटर बनने का तो हमें पता है लेकिन आपके बैकग्राउंड का कुछ ज़्यादा नहीं पता, उसका कुछ बताएंगे? मेरा बैकग्राउंड जी ब्रांड मैनेजमेंट का रहा है, बिहाइंड द कैमरा रहा है, काफ़ी मैंने टीवी कमर्शियल्स बनाए हैं, एडवर्टाइजिंग में काम किया है और मीडिया मैनेजमेंट ब्रांड मैनेजमेंट 17 साल मैंने लगातार काम किया और लीडिंग ब्रांड्स के साथ काम किया। अल्लाह का शुक्र मैंने मोबिलिंग के साथ काम किया, टेलीनॉर के साथ काम किया, तो वो 17 साल बड़ी मेरी ट्रेनिंग भी हुई, बड़ा कुछ मैंने सीखा भी। लोकली भी मैंने हमारी टीम ने कैंपेन्स पे अवार्ड्स जीते, ग्लोबली भी जीते, बाहर शूट भी किया, बाहर के लोगों के साथ भी काम किया, फिल्म एक्टर्स के साथ, प्रोड्यूसर्स के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, तो ब्रांड मैनेजमेंट ओवरऑल रहा बड़ा अच्छा। फिर साथ में ब्रॉडकास्टिंग भी मेरा चलता रहा, पैरेलल रेडियो पे मैं प्रोग्राम करता था, 10 साल लगातार प्रोग्राम किए, तो ये मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड है। अच्छा ये बताएं पर्सनली आपकी स्किन केयर और ब्यूटी रूटीन क्या है? कुछ ना करो इसके साथ, लेट इट बी लाइक इट इज़। लोग इतनी चीज़ें अप्लाई करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कुछ ना करें तो ठीक रहता है। अच्छा इंटरेस्टिंग। आपका फेवरेट मिडनाइट स्नैक? ओए ये आप हैरान होंगे, ये जो माशेर राऊ और चाइना, ये तली हुई मछली अगर फ्रिज में पड़ी हो ठंडी हो और रात 2 बजे 2:30 बजे आप फ्रिज खोलें और 1-2 पीस मछली के पड़े हों, आप खा के आजमा के देखें, जबरदस्त आपका मिडनाइट स्नैक बनेगा। दिस इज द स्ट्रेंजेस्ट मिडनाइट स्नैक जो मैंने सुना है टू डेट। आई लव इट। और मैं कभी मछली बनी हो ना, मैं जानबूझ के 1-2 पीस उसके छोड़ देता हूँ, फ्रिज में रख देता हूँ, फिर मैं आधी रात को मुझे पता होता है तो बड़ा मजा आता है। वेरी कूल। अच्छा आपने आपका इन्फॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग से तो गहरा ताल्लुक है, क्या पैमरा वाकई मीडिया आउटलेट्स को बुली करता है? पैमरा कुछ भी नहीं करता। पैमरा इतना कुछ होता है, कुछ करता ही नहीं। पीटीआई में आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है एंड यू कैन नॉट से इमरान खान? बहुत से नाम है लेकिन अगर एक ही ले सकते हैं ना, सॉरी वन ओए मेबी टू नॉट थ्री। अच्छा अगर एक ही, मेरा ख्याल है अगर वो हम ही भरे तो मुझे लगता है, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ इमरान इस्माइल। इमरान इस्माइल। व्हाट अबाउट फैसल वावडा? वो भी है, वो भी अच्छे। आपने उनकी गाड़ियों की कलेक्शन देखी? नहीं मैंने नहीं। मैंने सुना बहुत है उसके बारे में, टीवी पे मैंने भी देखा था, है ना? वेरी कूल। अच्छा ये बताएं कि अच्छा नाउ आई वांट टू जस्ट से आई नो आई हैव सीन एवरीथिंग, अभी यहां पर इज देयर वन फेवरेट प्लेस इन इस्लामाबाद जो आपको बहुत पसंद है? बैनियन ट्री। बैनियन ट्री वो कहां है? लेके जाऊं आपको वहां। लेट्स प्लीज गो, लेट्स गो। थैंक यू।
फैसल साहब, ये हम कहाँ आए हैं? लुक्स लाइक जंगल एक्चुअली। ये है जंगल, बनियन ट्री। आइए मैं आपको जगह दिखाता हूँ। वेरी वेरी कूल एंड इंटरेस्टिंग। अच्छा, आई विल आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस व्हाइल हम थोड़ा सा जंगल की तरफ निकलते हैं। थोड़ा सा ये मुश्किल है पहले। एक सेकेंड, क्वाइट, लेट मी जस्ट सी। पहले तो बना हुआ था इधर से। आप चलिए, बस सांप ना हो, बाकी सब हैंडल हो सकता है। मैं वो पाथ देख रहा हूँ, ये वहाँ से आना चाहिए था। खैर, सॉरी, नो इट्स वहाँ से आ जाए। हाँ, अगर मुझे पता होता कि हम ये करना है तो। ओहो नहीं, यहाँ से मुझे रास्ता मिल ही जाएगा। एक सेकंड। ये अब बड़े अरसे बाद इधर चक्कर लगे असल में। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ, नो नो नॉट रियली। नहीं, ये मैं रास्ता आपको सही बताता हूँ। हाँ, आपको फॉलो करें। आप फॉलो कर लें, आप इधर से आ जाए, ये इजी है। नहीं, यहाँ पानी है, आप इधर से आए। अच्छा, इधर से आ रहे। एक बार खुल जाए ना रास्ता। ओके, आपको जंगल में जाने का कब से शौक हुआ? बचपन से, ये मेरी फेवरेट जगह है। आप आए तो सही। ओके, कभी सांप से एनकाउंटर किए हैं जिस जगह? नहीं, सांप नहीं है, अभी नहीं है सांप, गेहूं है। अच्छा, तो ये बताएं, क्या आप जब आप आते थे 12-13 साल में, तो आप अकेले आते थे? नहीं, अकेला, पहले अकेला आता था, फिर बाद में अकेला नहीं आता था। ओह, फिर किसके साथ? मेरी असल में यहाँ पे एक दोस्ती होगी थी, जर्मन लड़की थी, उससे मेरी दोस्ती होगी थी मेरी, और फिर पता नहीं वो कहाँ चली गई। हाँ, लेकिन बड़ी अच्छी दोस्ती होगी थी। मैं मिस करता हूँ। शायद जंगल में गुम होगी। शायद कि जर्मनी के जंगल में गुम होगी होगी। बस ये है। सो आई टेल यू व्हाट, ये अब हो गया। मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था, मैं आया हूँ तकरीबन 5 महीने पहले, तो यहाँ एक बना हुआ था पास। मैं खाली, ये दरख्त गिरा है ना, जिसकी वजह से ब्लॉक हो गया। अदरवाइज क्या था? अदरवाइज सुने, मेरा ये हमारा पीछे घर है, ये इससे पिछले से पिछला स्ट्रीट 3 में है, लेकिन बैक साइड उसकी इधर है। तो मेरे पास फॉक्सी होती थी, तो मैं यहाँ बैक साइड से जाता था। तो मैं क्या करता था, ये फुटपाथ सीधा आता था, बड़ा खूबसूरत था ये, बहुत खुला, और ये सीधा आगे बनियन ट्री पे जाता था। तो यहाँ से गाड़ी आप थ्रू करके आगे जाते हैं? नहीं, पैदल। अच्छा, पैदल करके। हमें ये घर है ना। ओके, चलें, साथ साथ वाइल आप हमें हमारा मर्डर का प्लान बना रहे, साथ साथ हम आपसे सवाल पूछ लेते हैं, आई गेस। एंड सवाल पूछ ले, और यहाँ पे आपको तरह तरह के पौधे मिलेंगे, दरख्त तो लगे हुए हैं ज़बरदस्त यहाँ पे, लेकिन इसका ख्याल रखना चाहिए। ये वो जगह है जहाँ मैं छोटा होता था, यहाँ पीछे घर, तो मैं यहाँ आता था, और यहाँ था बनियन ट्री जो अब नहीं है। अच्छा, बनियन ट्री, एक बुद्धा ट्री, बड़ा बनियन ट्री था। हाँ। और वहाँ पे मैं बैठता था कि गिटार भी बजाता था। ओह, वेरी कूल। एंड देन छोटा था गिटार, छोटा सा गिटार। अच्छा, छोटा गिटार। आप कितने साल के थे? मैं आई वाज प्रोबेबली 14, 15, 16। वेरी नाइस, वेरी कूल। आगे हम जा, आइए। हां, ऑफ कोर्स हम जा सकते हैं। अच्छा, जरा ये व्हाई वी फाइंड दिस बनियन ट्री, और शायद मुझे इस वक्त ये सवाल नहीं करना चाहिए, लेकिन NAB और गवर्नमेंट के दरमियान कोई अनहोली अलायंस है? बिल्कुल भी नहीं। इमरान खान के बारे में एक बात जो आपको अच्छी नहीं लगती? कभी कभी वो गुस्सा ज्यादा करते हैं। आ जाए। ओके, ठीक है, फिर थोड़ी फिल्मों की बातें ही कर लेते हैं जी। अच्छा, ये बताएं कि आपकी फेवरेट फिल्म क्या है? क्या पूछा? Your favorite film? पाकिस्तानी फिल्म, मुझे पंजाब नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं जंगल में जा रहा हूँ। ओह, अच्छा, लगता है कि अपन लाहौर की तरफ ही जा रहे हैं। खुदा के लिए और पंजाब नहीं जाऊंगी, दो फिल्में मुझे बहुत पसंद आई। अच्छा, ये चुड़ैल देखी है आपने? चुड़ैल यहाँ जंगल में ढूंढ रहा हूँ। मरवाएं प्लीज मत, आपको शायद मिल भी जाएगी इस जंगल में। अच्छा, ये बताएं कि जो यंगर लॉट ऑफ एक्टर एक्ट्रेसेस है, उसमें आपकी फेवरेट कौन है? हुमायूं सईद। हुमायूं सईद। एंड एक्ट्रेसेस में आई गिव यू 3 choices, महविश हयात, सबा कमर या सजरत। महविश हयात। ओके, आपने कहा हमारे साथ एक लाइव सेशन में कि बॉलीवुड का कंटेंट कभी पाकिस्तान में प्ले नहीं होगा, तो ये बताएं कि नेटफ्लिक्स पर पाकिस्तान का टॉप 10 में बॉलीवुड मूवीज क्यों होती है? जब यहाँ पे भी था तो लोग काफ़ी देखते थे। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये भी बायलैटरल होना चाहिए। अगर इधर चल रहा है तो उधर भी चलना चाहिए, और फिर इधर नहीं चलना चाहिए अगर उधर नहीं चल रहा। वो बैन करते हैं हमारा
उनके टीवी पे, सिनेमाओं पे, रेडियो पर हमारी चीज़ें नहीं चलती और यहाँ पे हम चलाते जा रहे थे, तो बायलैटरल होना चाहिए था। देन हाउ डू यू फील अबाउट कि ये जो एक इंडियन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, उन्होंने एक पाकिस्तानी ड्रामा बनाया और उसको एयर किया, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? इट्स गुड, होना चाहिए, लेकिन हमने उनके बहुत चला लिए और अब उन्हें हमारा अगर चला रहे हैं, हम देखेंगे आगे, तो म्यूचुअल होना चाहिए, बायलैटरल होना चाहिए। अच्छा ये बताएं कि फिल्म पॉलिसी का क्या बना? फिल्म पॉलिसी वी आर ऑलमोस्ट डन। ओह व्हाट इज इट एग्जैक्टली? ये पूरी एक तो इंडस्ट्री बनाने जा रहे हैं, दूसरा सेंट्रलाइज होना चाहिए ये सेंसर बोर्ड, तीसरा जो प्रोड्यूसर्स जो है ना उनको बहुत इश्यूज हैं टैक्सेस के, बाकी चीज़ों के, तो ये और फिर एग्जिबिटर्स के भी कुछ पॉइंट्स हैं, सबसे मिल के राय ले के ओवर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जो है वो बनने जा रही है। Fantastic. अच्छा ये बताएं कि बिलावल या मरियम? आगे चलें? हाँ हाँ आगे भी चलें। आपको बिलावल या मरियम में से कोई मिल जाए, लेकिन अब आपको मैं वो अकड़ बकड़ कर रहा हूँ ना। तो यू कांट डाइवर्ट द क्वेश्चन जी, बिलावल या मरियम? मरियम। हाँ अच्छा, वो एक पीटीआई पॉलिटिशियन जो आपके आपको बहुत कोशिश के बावजूद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता या लगती? नहीं ऐसा तो नहीं है। पीपल्स पार्टी का? नहीं ऐसा भी नहीं। वो हो नून लीग का? नहीं ऐसा तो नहीं। कोई भी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? That's fantastic. कोई इंसान किसी से कितनी नफरत कैसे कर सकता है? डिसलाइक और नफरत में फर्क होता है नहीं? डिसलाइक भी कैसे कर सकता है, उनकी चीजों से इख्तलाफ हो सकता है, एक इंसान से तो नहीं हो सकता वैसे। अच्छा चलें, आई विल गिव यू दैट। अच्छा ये बताएं, लोग कहते हैं कि आप बिल्कुल गुस्सा नहीं आपको आता और आप दूसरों के बिहाफ पे जाके प्रोग्राम से माफिया मांगते हैं, इज दैट ट्रू? नहीं, दूसरों के बिहाफ पे मैंने किया हुआ है कि अगर कोई नहीं कर रहा तो बड़ी बात नहीं, आप माफ़ी मांग लें किसी की दिल आजारी हुई हो तो बड़ापन होता है, लेकिन गुस्सा इस पर तो मैं काम कर रहा हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं इस पर आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहा हूँ कि मेरा गुस्सा जो है वो कम हो। आपको किस बात पर गुस्सा आता है? मुझे जब कोई ये क्या है ख़ास तौर पे कि वो जी बड़े आदमी बन गए हैं, बहुत मसरूफियत होती है, ऐसी बात नहीं है, मैं कभी भी दिल में मेरे कभी भी 1% भी नहीं आया कि मैं कोई चीज़ हूँ या वो कुछ भी नहीं हूँ, कोई कुछ नहीं होता, इंसान कुछ नहीं होता, तो ये चीज़ क्या है ना, और अगला फील कहता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ तो मुझे क्यों कहते हैं? अच्छा फैसल साहब, आई रियली वांट टू सी दिस बैनियन ट्री। आई मैं आपको मजीद आगे लेके जाता हूं। मुझे किसी चीज की आवाज आ रही है एंड आई एम नॉट स्टेइंग हियर। तो आप ही नहीं, आइए आइए, आप ऐसे करें, आप इधर से आइए, इधर से दूसरा रास्ता है। हां हां ठीक है ठीक है, आइए इधर से आइए। और ये काफी सारे डेंगू के मच्छर भी हैं। नहीं यहां से आइए, मैं हूं तो कराची से, तो हम इतने ज्यादा एडवेंचरस सच, हमें आजकल एडवेंचर जो कराची में है, वैसे बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने तबाही की हुई है कराची में। अगर यहाँ पे कोई मगरमच्छ हो गया ना तो फिर थोड़ा सा मसला हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे मगरमच्छ भी बड़ा कूल होगा। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि नया पाकिस्तान कब बनेगा? नया पाकिस्तान जाहिर है एक दिन में तो नहीं बनना, उस तरफ सफर जारी है और इंशाल्लाह, क्योंकि इमरान खान साहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उन्हें पता है और जिंदगी में जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया और उस तरफ पेशरफ्त है और इंशाल्लाह मंजिल करीब है, पाकिस्तान नया पाकिस्तान बनेगा, उस तरफ सफर जारी है। ओके जी, तो who has the best sense of humor in PTI? आ जाएं, मैं आ रही हूँ जी, आप चलें। Who has the best sense of humor in PTI? Oh, good question, very good question. इमरान इस्माइल का sense of humor बहुत अच्छा है, जलसों में ऐसी ऐसी जुकते मुझे बताते थे, बड़ी कमाल की लाइनें देते थे। Oh, interesting. फवाद चौधरी का भी sense of humor बहुत अच्छा है। टू गुड पीपल यू हैव नेम, बिल्कुल उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है। अच्छा आपने कहा कि आपको कभी इश्क नहीं हुआ, क्यों? इश्क बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कैफियत का नाम है जो हकीकत से हो सकता है, इश्क की हकीकी जो होता है अल्लाह से, वो जो जगह पा लेनी वो बड़ा मुश्किल काम होता है, बाकी ये जो होता है इंसानों के साथ वो बस प्यार होता है, मोहब्बत होती है, इश्क नहीं होता। हां वेरी इंटरेस्टिंग, आपने एक इंटरव्यू में कहा दैट यू वुड लाइक टू राइट अ ड्रामा, किस टॉपिक पर लिखेंगे? इधर बैठ जाओ थोड़ा सा। जी जी इधर बैठ जाओ। हां हां प्लीज। ओके आप बताएं आप किस पर लिखेंगे, सास या बहू? बिल्कुल भी नहीं, यही तो मसला है, सब्सटेंस ही नहीं है ड्रामों में, इसीलिए लिखना चाह रहा हूं कि ये सास बहू टिपिकल
मैं स्टोरी लिखना शुरू कर दी है मैंने, हमारे माशरे के जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो कि आम हो गई हैं, जैसे सिफारिश आम हो गई है, कहते जी वो मेरा बच्चा बड़ा तेज़ है, उसका वाकिफ़ था, उसने कहा उसका काम हो गया, वाह जी वाह वाह वाह, ये फैशन स्टेटमेंट बन गया। सिफारिश गलत बात है, इसे झूठ बोलते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गीबत करते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चोरी करते हैं आम हो गई, रिश्वत आम है जी, मेरा बच्चा बड़ा तेज़ है, उसका पासपोर्ट नहीं बना था, 500 रुपये दिए उसका काम हो गया, रिश्वत है, गलत है। ये 5 टॉपिक्स हैं जिनके इर्द गिर्द मेरी कहानी है, और कहानी है उस्ताद जी की कहानी, एक टीचर की, और वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंशाल्लाह आप जब देखेंगी आपको मज़ा आएगा। चले लास्ट 2 क्वेश्चंस और फिर शायद हम जंगल से निकल सकते हैं। डू यू वॉच पाकिस्तानी ड्रामा? या आई एम एन इंसाइक्लोपीडियन पाकिस्तानी ड्रामा। रीसेंट वाले ड्रामे आप कौन से देख रहे हैं? रिसेंट मुझे आखिरी जो ड्रामा अच्छा लगा वो हुमायूं का ही था, दिल लगी, उससे पहले मेरी ज़ात ज़रा बेनिशां, लेकिन बिल्कुल रिसेंट मैंने ड्रामे टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू उस तरह से देखे नहीं है, लेकिन मेरे जो टॉप फेवरेट ड्रामे हैं उनमें निजात है, चांद ग्रहण है, और मैं आज भी कहता हूँ मेरे जितने भी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस दोस्त हैं उन सबको मैं कहता हूँ कि आप वो लिस्ट देता हूँ उनको कि ज़रूर वो ड्रामे देखें, उससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो मेरे घर के अंदर पुराने ड्रामों की DVDs पड़ी हुई हैं। 100% आई एग्री। एंड लास्ट क्वेश्चन, सुना है आपको शेर व शायरी का बहुत शौक है, जाते जाते जंगल से निकलते निकलते एक शेर तो सुना दे। वादा करके गए आएंगे ख्वाब में आपकी, मारे खुशी के नींद ना आए तो क्या करूं। थैंक यू सो मच फैसल साहब, अब बताएं हम निकले यहाँ से कैसे। शुक्रिया, एक मिनट। ओह चलो फैंटास्टिक, लेट्स गेट आउट। आइए आइए, इधर से आए। हाँ इधर से, चले चले। मैं कह रहा था एक, ये देखिए यूं पांव रखते हैं आपने। हाँ हाँ बिल्कुल, यूं और फिर यूं। 100% ये चला।